लौटन राम निषाद जी की एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आपके आते ही आजम खान साहब को उनके परिवार को जेल हो गई, क्या कहेंगे? 7-7 साल की परिवार के सभी सदस्यों को जेल हुई है। देखिए, कल एमपी एमएलए कोर्ट का जो निर्णय आया है, हाई कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बरी हो जाएंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, न्यायपालिका पर तो उंगली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कभी कभी जो है कि ऐसा लगता है कि न्यायपालिका पर भी उंगली उठाना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र जो है कि अगर उनके बेटे का गलत है या गलत तरीके से बनाया है, तो बेटे के माँ बाप का क्या दोष है इसमें? आजम खान को चाहे उनकी पत्नी तजीन को जो है 7 साल का सजा सुनाया गया है, यह जो है कि न्यायपालिका का जो है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरा कि मुसलमान होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी जो भी लड़ाका किस्म के लोग हैं, उनके राह में कांटा बिछाने का, उनको चुनाव लड़ने से रोकने का जो है कि कहीं ना कहीं जो है पर्दे की आड़ में खेल करने के अभियान में जुटी हुई है। उन्होंने कल कहा है कि मुझे मुसलमान होने की सजा मिली है, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। निश्चित रूप से मुसलमान होने के नाते ही मिली है, और मैं तो पहले कहता हूँ कि अगर उनका बेटा जो पूर्व विधायक रहा है, अगर कम उम्र थी और 25 बरस से अधिक उम्र दिखाया है, जन्म प्रमाण पत्र में हेर फेर किया है, तो उसमें जो है कि आजम खान जी और उनकी पत्नी को क्यों आरोपी बनाया गया, क्यों 7 साल की सजा दिया गया? तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि शासन सत्ता का दुरुपयोग करके न्यायपालिका का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, और न्यायपालिका का दुरुपयोग करके जो है आजम खान जी की राह में जो है कि बैरियर खड़ा करने का काम किया गया। हम लोगों को उस दिन संदेह हुआ था कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं जातिवाद से धर्मवाद से प्रेरित है। जब लोकेंद्र गुर्जर ने, जब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण कोटा की बजाय 14% दिया गया, और हमारा भाई जो है लोकेंद्र गुर्जर और उसके साहू जी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार जी कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली थी, उसने 14% के कोटा को में वृद्धि करते हुए 27% दिया था। जबलपुर हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दिया, 28 याचिकाएँ 27% आरक्षण कोटा के पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि हमारा मामला सुना जाना चाहिए, अगर शासन प्रशासन से हमें न्याय नहीं मिलता है तो न्याय मांगने हम कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका में। लेकिन हुआ क्या न्यायपालिका में, जब लोकेंद्र गुर्जर के वकील जो है पक्ष में अपना मंतव्य रखते हैं, तो वहाँ पर जो है पेनाल्टी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख तक बढ़ा दी गई। तभी हम लोगों को संदेह हो गया कि हम न्यायपालिका में भी और विशेषकर उच्च न्यायपालिका में ज़्यादातर लोग जो है कि जातिवाद से प्रेरित है, ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के विरोध में जो है कि निर्णय देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आजम खान को जेल भेजकर रामपुर संभल और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ आजम खान जी है और संस्थापक सदस्यों में और कई समाजवादी पार्टी के निर्माण में आजम खान की अहम भूमिका रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी बड़े नेता हैं, हमारे जिले में भी चला था, लेकिन आपने देखा कि एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को भी यही मामला आया था, हाई कोर्ट से स्टे हो गया। आजम खान जी का भी मामला एमपी एमएलए कोर्ट से है ना, अभी तो इसके बाद शायद जिले का भी कोर्ट होता है, हो सकता है वहाँ से बरी हो जाए, वहाँ से नहीं होंगे तो हाई कोर्ट से हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से तो होना ही होना है। हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि हर जगह जो है कि वह एक ही ढर्रे के जो है कि न्यायाधीश नहीं है। क्या ये मुसलमानों को डराने की भी कोशिश है अफजाल अंसारी या इरफान सोलंकी या आजम खान जैसे प्रकरण से? जो भी लड़ाका किस्म के लोग हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं, तो उनको जो है कि घेर करके भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी तरफ संदेश भी देना चाहती है हिंदू और मुसलमान का, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान का मुद्दा जो है गौण हो गया है, या नहीं चलेगा ना मंदिर का मुद्दा चलेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा 2024 में या आगामी विधानसभा का चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाला है, सबसे अहम मुद्दा हो गया है जातिगत जनगणना का, समानुपाती का आरक्षण का, यह मुद्दा जो है विशेष प्रभावकारी रहेगा, जो माननीय कांशीराम जी ने कभी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही सेधारी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी यह नारा 2 साल पहले, जब 1.5 साल पहले चलाना शुरू किए, अब कांग्रेस पार्टी भी जो है कि इस मुद्दे को बड़ा मजबूती से पकड़ ली है।
और वह भी जातिगत जनगणना की समानुपाती का आरक्षण की, आरक्षण 27% आरक्षण में कोटा की वृद्धि की, 50% की जो आरक्षण की सीलिंग है उस सीलिंग को तोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी आज मजबूरी में कर रही है।